दोस्तों हमारे साथ मौजूद है ऑटो वाले अंकल और आप देख रहे हैं BMW। सर आपसे जानना चाहेंगे, हाल फिलहाल में ये खबर पता चली कि सलमान खान राधे फिल्म में एक कॉलेज के स्टूडेंट का भी छोटा सा रोल निभाने वाले हैं और मेकर से कह रहे कि हम इसके जरिए तेरे नाम जो फिल्म थी जहां पर वो कॉलेज स्टूडेंट बने थे उसका एक ट्रिब्यूट देना चाह रहे, तेरे नाम फिल्म जो बहुत बड़ी हिट हुई थी 2003 में आई थी, इस बारे में क्या राय आपकी? देखिए ये जो है उस टाइम पे आई थी, मतलब जो भी है पब्लिक दर्शक जो है बहुत पसंद की थी और उसके अंदर जो है सलमान खान सर का राधे नाम था और ये मूवी जो है ये समझ लीजिए उससे कुछ मिलता जुलता ये मूवी बन रही है और कुछ अलग ही जो है इसके अंदर अलग अंदाज देखने को मिलेगा और यही है कि ये समझ लीजिए कि इसके अंदर जो कॉलेज का अगर रूप मतलब थोड़ा बहुत जो है अगर उसके अंदर काम करते हैं तो फिर ये है कि पब्लिक को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ईसा पाटनी जो काम की है कुछ जो है वो उसके अंदर जो हीरोइन जो है तेरे नाम में उससे थोड़ी इसके अंदर जो है वो हॉट है और जो है सलमान खान सर जो है उनके साथ काम कर रहे हैं तो ये मूवी थोड़ी बहुत हटके रहेगी और पब्लिक ज्यादा इसको पसंद करेगी। देखने के मतलब ये है कि मतलब है कुछ अलग अंदाज से मतलब है अगर ये बहुत दिनों के बाद जो है पब्लिक उनको कॉलेज के रूप में नहीं देखेगी, इसमें उनको देखेगी और पब्लिक पसंद करेगी। वैसे भी देखा जाए तो तेरे नाम इतनी बड़ी हिट थी, वहाँ पे उनके जो बीच से मांग खोलते हैं वो जो बाल उस तरह का स्टाइल था एक टाइम में, आपको याद है कुछ उस वक्त कैसा था लोगों में क्रेज तेरे नाम का, कुछ बता सकते हैं आप? तो देखिए उस टाइम पे जो है कुछ ऐसे भी जो है मतलब उस मूवी से जैसे हम लोग ये अपने जो एक दूजे के लिए जब एक सलमान खान की मूवी आई थी बहुत साल पहले मूवी आई थी उसको देख के कितने जो है जोड़ी आत्महत्या कर दिए, कितने क्या कर दिए, जब ये तेरे नाम आई थी तो ऐसी कुछ घटनाएं भी हो चुकी है तेरे नाम जैसा, क्योंकि वो मूवी जो है बहुत जनों को पसंद आई और कुछ जो है ऐसी ऐसी घटना देखने को भी मिली हमें, तो कुछ इस हद तक मतलब वो मूवी चली थी, मतलब पब्लिक को बहुत पसंद आई थी। आखिर में जाना चाहेंगे, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे प्रभुदेवा साहब और प्रभुदेवा का वैसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है लेकिन पिछली फिल्म दबंग थी में थोड़ा सा है ना 19-20 हो गए थे, तो इधर थोड़ा सा डर लग रहा है आपको कि एक्शन फिल्म है ये तो अच्छी बात है? अगर एक्शन मूवी है तो फिर वो जो है मैं यही चाहूंगा कि अगर वो प्रभुदेवा अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो देखिये आपको मैंने इतना जो है मतलब मतलब बहुत कुछ अच्छा सोच के कि आप जो है एक्शन जैसन जैसा मतलब एक्शन का डायरेक्शन करेंगे तो मैं यही चाहूंगा कि सर जो है दबंग में जो गलती की है मैं यही चाहूंगा कि राधे में जो है आप वो गलती मत कीजिएगा, अगर मूवी थोड़ी बहुत बची है तो उसको जरा बाकायदा मतलब अच्छे से उसको डायरेक्शन कीजिए कि कम से कम जो है ये राधे मूवी जो है अच्छी कलेक्शन कर सके और पब्लिक को पसंद आए, बस मैं यही चाहूंगा। चलो एक अलग से सवाल पूछ लेता हूँ खत्म करने से पहले, दो और फिल्मों से क्लैश हो रही है लक्ष्मी बम और है ना फास्ट एंड फ्यूरियस 9 से, तो राधे का सीधी सी बात एक्शन मूवी सलमान खान की ईद पर चलते ही है क्या, बाकी फिल्में थोड़ा दिक्कत दे सकती है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, साल में ऐसी मतलब कुछ मूवी ऐसी होती है कि जो साथ में कहे होती है लेकिन सलमान खान सर के लिए ईद से डरने की कोई बात नहीं क्योंकि ईद जो है उन्हीं की होती है, बिल्कुल दूसरे की नहीं होती और वो जो है जो बोलते हैं ना वो पेट भर भर के ईद खाते हैं उस दिन और जो है बहुत अच्छा ईद ईद के टाइम पे उनका कलेक्शन होता है और पब्लिक यही चाहती है कि ईद के टाइम पे जो है उनकी मूवी आए और वो एंजॉयमेंट करे और डबल टिबल कलेक्शन करे। चलो आखिर में कुछ कहेंगे आप आपके चैनल के बारे में भी, आपने भी चैनल चालू किया ट्वेल अंकल? मैंने जो है आप लोग को मालूम है कि जो है अपने सूर्या सर जो है बहुत हेल्प किए बहुत ये किए, आज जो है मैं इस मुकाम पे हूँ जो कि और किसी को वो करना चाहिए उन्होंने नहीं किया लेकिन जो भी है देर आए दुरुस्त आए, आप लोग के आशीर्वाद की वजह से मैंने अपना 31st को चैनल चालू किया है ऑटो वाले अंकल जो है, आगे जो है चैनल अगर नहीं आता डाले तो ऑटो वाले अंकल न्यू चैनल डालो तो मेरा चैनल आ जाता है, देखते ही आप उसको लाइक करे सब्सक्राइब करे और घंटी वंटी बजा दे और हमारे साथ हमेशा बने रहे। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।